हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय। जिस तरीके से नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय होते हैं, इसी तरीके से जो है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जो कि आदिवासी क्षेत्रों में खोले गए हैं, तो यहाँ के लिए बहुत बड़ी संख्या में शिक्षक भर्ती की जाएगी। आप लोगों को जानकारी यदि नहीं है तो कुल 38,480 पदों के लिए यहाँ पर शिक्षक भर्ती होगी। तो अभी जो है नोटिफिकेशन आ चुका है और चलिए हम सबसे पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं। देखिए, ये जो स्कूल होते हैं, ये स्कूल आदिवासी क्षेत्रों में जो आदिवासी छात्र होते हैं उनको पढ़ाने के लिए होते हैं। काफ़ी सुविधाएं इसमें दी जाती हैं, ठीक है। रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं, यानी कि यहाँ पर रहने की, खाने की, सभी की सुविधा भी दी जाती है टीचर्स को, यदि टीचर्स चाहें तो। कुछ जो 38,480 पदों में से कुछ जो है वो टीचिंग के होंगे, कुछ नॉन टीचिंग के होंगे, यानी कुछ तो डायरेक्ट जो है वो फिल करे जाएंगे और कुछ का जो है प्रमोशन होगा, जो पहले से ही टीचर्स इसमें हैं। काफ़ी संख्या में जो है ये भर्ती है, तो चलिए डिटेल में हम इसको जान लेते हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं, और हर बच्चा जो है वो इंटरेस्टेड होता है यदि ऐसी वैकेंसी होती है, सैलरी जिसमें काफ़ी अच्छी होती है। बस इतना है इसके अंदर कि ये जो है आप लोगों को आदिवासी जो क्षेत्र होते हैं यही आपको मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि सरकार जो है उसने आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे स्कूल खोले हैं। तो यहाँ पर 2 तारीख का जो है वो नोटिफिकेशन है, आप देख लीजिए। नोटिफिकेशन जो आउट हुआ है, तो जिस समय टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों ही पोस्ट हैं, सैलरी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर आप देखते हैं जिस तरीके से केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में जहाँ क्वालिफिकेशन मांगी जाती है वही यहाँ पर रहती है। प्रिंसिपल की पोस्ट है, वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट है, कितनी पोस्ट हैं अभी हम देखेंगे। और PGT की है, TGT की है, आर्ट टीचर की, म्यूजिक टीचर की है, फिजिकल एजुकेशन टीचर की है, लाइब्रेरियन की है, काउंसलर की है, स्टाफ नर्स की है, बाकी और भी हैं। तो ये जो है ये हम इसकी बात नहीं करेंगे, हम जो है वो टीचर्स की ही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है वो प्रिंसिपल की जो पोस्ट है, यहाँ पर कुल 740 जो है वो पोस्ट है प्रिंसिपल की, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, कितनी पोस्ट है, 740 प्रिंसिपल की पोस्ट है, ठीक है। और ये एक ग्रुप की रहती है, और यहाँ पर देखिए 78,800 जो है वो मिनिमम जो है वो सैलरी है इसकी, और इससे अधिक भी है। ये जो है आप देख लीजिए, एज लिमिट जो है वो 50 साल जो है वो क्रॉस ना हो, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो एज रिलेक्शन जो है वो SC ST OBC और अदर कैटेगरी जो है उसको भी मिलता है। इसके लिए क्वालिफिकेशन जो प्रिंसिपल के लिए क्या चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, BEd होना चाहिए 12 साल का जो है वो, वाइस प्रिंसिपल, PGT TGT इनमें 4 साल का, ठीक है। तो ये जो है एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है। उसके बाद ये आप देखिए, यहाँ पर जो प्रोबेशन का जो पीरियड रहेगा वो 2 सालों का है। ये परमानेंट वैकेंसी है, ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं। पहले ये लोग जो है वो परमानेंट जो है वो करेंगे, यदि फिर भी सीटें खाली रह जाती हैं तो ये लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी करेंगे। सबसे मेन बात यहाँ पर क्या है कि लड़कियों के बारे में, यानी कि 50% जो है वो लड़कियों के लिए जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर मांगा गया है कि जो गर्ल्स होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ इस पोस्ट को भरें, 50% तक जो है वो गर्ल्स ही भरें, क्योंकि जितनी सुविधाएँ हैं वो अधिकतर जो है वो लड़कियों को देने का ये लोग सोच रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि यदि कोई भी एज रिलेक्शन की अगर बात करें तो लड़कियों को जो है वो 10 साल मिलेगी ही, ठीक है। जहां पर 40 साल मांगी गई है तो 50 साल, ठीक है। ऐसी इसी तरीके से वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट है, चलिए हम बात कर लेंगे यहां पर PGT टीचर की। तो यहां पर PGT की कुल कितनी है, 8,140 पोस्ट हैं, ठीक है। कौन कौन से सब्जेक्ट की हैं, तो यहां पर इंग्लिश है, हिंदी है, रीजनल लैंग्वेज है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, ये सभी जो है वो सब्जेक्ट रहेंगे। और इसके अलावा जो है PGT CS यानी कंप्यूटर साइंस के भी हैं, ठीक है। ग्रुप B में आती है ये, और सैलरी जो है वो काफ़ी अच्छी है, 47,600 से लेकर जो है वो 1 लाख तक जो है रहती है। एज जो है वो 40 साल, ठीक है। और जो गर्ल्स हैं वो अपने आप ही जो है इसमें 10 साल जो है वो ऐड कर लें, क्योंकि मैंने नोटिफिकेशन पढ़ लिया था तो उसमें ये चीज़ जो है वो शो है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो बिल्कुल मैंने आपको बताया, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय है, ठीक है, नवोदय विद्यालय है, तो PGT इंग्लिश है, तो आप मास्टर डिग्री इंग्लिश में होनी चाहिए, हिंदी है तो हिंदी में है, यानी कि आप जिस सब्जेक्ट से हैं उसमें आपकी जो है वो मास्टर डिग्री और साथ में BEd, ठीक है। BEd जो है वो कंपलसरी है। और यदि आपने जो है 4 साल का जो BSc BEd या BA BEd किया है तो वो भी यहाँ पर जो है चलेगा, ठीक है।
और ये जो लाइन है इसमें यही कहा गया कि इन केस ऑफ इंटीग्रेटेड 4-ईयर डिग्री कोर्स, अगर आपने 4-ईयर डिग्री कोर्स कर रखा है, यानी कि BSc, BEd या BA, BEd कर रखा है, तो अलग से जो है वो BEd की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, प्रोबेशन का जो पीरियड है वो 2 साल ही है। यहाँ पर देख लीजिए, कुछ मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होंगे यानी कि एग्ज़ाम होगा, और कुछ जो है वो जो है प्रमोशन के थ्रू भरे जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर कॉमर्स और PGT इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसमें 100% जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा यानी एग्ज़ाम होगा। ठीक है, एग्ज़ाम भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा जैसे केंद्रीय विद्यालय को होता है, आप देखते हैं नवोदय विद्यालय का होता है। और बाकी जो सब्जेक्ट है, PGT जो हिंदी है, PGT इंग्लिश है, PGT रीजनल लैंग्वेज है अगर, तो इसमें 50% तो प्रमोशन से होंगे और 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। ठीक है, अदर जो सब्जेक्ट हैं इसमें 25% जो प्रमोशन से होंगे और 75% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा होंगे। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए, इसके अलावा प्रमोशन के जो पोस्ट हैं वो देखो, TGT मैथ का है, साइंस का है, SST का है, हिंदी का है, इंग्लिश का है। ठीक है, और भी रीजनल लैंग्वेज जो होती हैं यानी कि जिस स्टेट की जो लैंग्वेज होती है, ठीक है, उसमें। तो यहाँ पर और मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर अब ये देखिए, यहाँ पर जैसे कि PGT कंप्यूटर साइंस के लिए, तो ये तो डायरेक्ट होगा यानी ये तो एग्ज़ाम होगा, ये प्रमोशन के थ्रू नहीं भरे जाएंगे। तो यहाँ पर कितनी है वैकेंसी, 740 है कंप्यूटर साइंस की। ठीक है, ग्रुप बी में आएगा, पे स्केल जो है वो आप देखिए 47,600 से स्टार्ट होगा, 40 साल, और गर्ल्स जो है वो इसमें 10 ईयर जो है वो ऐड कर ले, जैसा कि मैंने आपको बताया। क्वालिफिकेशन जो है वो कंप्यूटर साइंस की क्या रहेगी, तो MSc यानी मास्टर डिग्री आपका जो है इसमें होना चाहिए, और यहाँ BEd जो है वो नहीं मांगा गया है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर, काफ़ी संख्या जो बच्चों की होती है TGT पोस्ट के लिए ही होती है। ठीक है, TGT के लिए, यहाँ पर TGT के लिए जो है कितनी है, 8,880 पोस्ट हैं। ठीक है, और 35 जो है साल मिनिमम, यहाँ 10 साल लगा लो आप गर्ल्स की, 45 साल, इसके अलावा एज रिलेक्शन जो है वो SC ST और OBC को तो रहता ही है। क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पर, तो मैंने आपको बताया वही बैचलर डिग्री, और उसके साथ में जो है वो BEd, ठीक है, होना चाहिए। अब हिंदी है, TGT के लिए है, तो यहाँ पर जो है 3 साल आपने हिंदी पढ़ी हो और BEd हो। इंग्लिश में भी यही है, मैथ में आप देख सकते हो बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स, साथ में फिजिक्स, ठीक है, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, और सबसे ज़्यादा आप देखते हैं किसकी, SST वाले बच्चों की, अभी मैं दिखाऊंगी। साइंस में देखो बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पर सोशल साइंस की अगर हम बात करें, तो आपने हिस्ट्री या ज्योग्राफी के साथ इनमें से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, या आपके पास ज्योग्राफी होना चाहिए, इकोनॉमिक्स होना चाहिए, या पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए। ऐसे ही आप ज्योग्राफी के साथ में हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, तो ये आपने 3ों साल ग्रेजुएशन में 3ों साल जो है वो आपके होना चाहिए। साथ में क्या मांगा गया है कि CTET मांगा गया है, जैसे केंद्रीय विद्यालय के रूल होते हैं वही है इसमें। ठीक है, CTET मांगा गया है इसमें, और लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि CTET पेपर 1 चाहिए या 2 चाहिए, ऐसा कुछ नहीं लिखा है यहाँ पर। यहाँ पर लिखा है कि पास्ट द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, आपने ये पास किया हो, ठीक है, और साथ में आपका BEd होना चाहिए। और BEd के लिए मैंने आपको बताया, या तो BEd होना चाहिए, या आपने इंटीग्रेटेड डिग्री कर रखी है 3 साल का, BSc या BA BEd कर रखा है, तो वो भी चलेगा। और जब ऐसे केस में अलग से BEd की डिग्री नहीं मांगी जाती। ठीक है, उसके बाद जो है पोस्ट ऑफ आर्ट टीचर, तो जो मेन मेन जो वैकेंसी है वो मैंने आपको बता दी, काफ़ी संख्या में है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि TGT के लिए जो है वो अकेले 8,880 पोस्ट हैं। क्वालिफिकेशन जो मैंने आपको बता दी कि यहाँ पर ग्रेजुएशन के साथ में आप लोगों को BEd चाहिए। PGT के लिए बता दिया 8,140 पोस्ट रहेंगी। यहाँ पर आप लोग जो है वो ये नहीं है कि केवल पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, साथ में BEd चाहिए केवल कंप्यूटर को छोड़कर। ठीक है, वाइस प्रिंसिपल के लिए बता दिया, यहाँ पर जो है वो एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। प्रिंसिपल के लिए बता दिया कि लगभग जो है कितना एक्सपीरियंस मांगा गया है यहाँ पर, मास्टर डिग्री के साथ में BEd, और साथ में जो है वो एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो 12 साल का।
ठीक है। तो ये सभी पोस्ट जो है वो आप देख सकते हैं केवल प्रिंसिपल के लिए ही 740 हैं। तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो TGT और PGT के लिए ही अप्लाई करते हैं। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग जो है वो ज़रूर इसको फिल करें। बस इतना रहेगा कि ये जो है रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं, यहाँ पर आपका जो है वो रहना खाना पीना ये सब कुछ होता है। गर्ल्स के लिए जो है और ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें रखी गई हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो गर्ल्स इसमें अप्लाई करें, ऐसा इनका जो है कहना है। ठीक है। आदिवासी जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए ये रहता है और उसके लिए जो है क्षेत्र भी यही है। ठीक है। आदिवासी क्षेत्र में ही ऐसे स्कूल जो हैं वो खोले गए हैं। लास्ट ईयर भी ये स्कूल खोले गए थे लेकिन सही तरीके से रूल नहीं आए थे और बच्चों के जो फॉर्म भी भरवा लिए थे लेकिन बाद में ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई, एग्ज़ाम नहीं हो पाया। लेकिन इस बार जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो आ गया है, डिटेल में आपको बता दिया है मैंने। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप फिल करिएगा। जैसे ही इसकी डेट आती है एग्ज़ाम फॉर्म भरने की, वैसे ही मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।